ओके सो स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्टली आप लोगों के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। इंस्ट्रक्शंस यह हैं कि बहुत से अब आपका जैसे फर्स्ट डे होगा, अब फर्स्ट डे वाले तो शायद ही कुछ लोग होंगे, ऑलरेडी आपके 2 से 3 क्लासेस तो हो चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको सारे इंस्ट्रक्शंस पहले से समझ में आ गए होंगे। जूम को कैसे ऑपरेट करना है ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इफ यदि किसी को कुछ नहीं भी मालूम है तो वंस अगेन मैं आप लोगों को एक बार समझा दे रहा हूँ बेटा। पहली चीज तो आपको किसी भी टाइप के आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं तो आपको देखिए राइट साइड में 3 डॉट दिखाई दे रहे होंगे, वहां पे आप लोगों को एक हैंड रेज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, फिलहाल मैंने आप लोगों को यहाँ पे म्यूट किया हुआ है। तो यदि आपके किसी भी टाइप की क्वेरीज होती है तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास बेटा यह है कि पहली चीज तो आप डायरेक्टली चैट बॉक्स में जो भी क्वेश्चंस है आप पूछ सकते हो, और सेकंड ऑप्शन आपके पास ये है कि आपके कुछ क्वेरीज है और चैट बॉक्स में नहीं पूछ पा रहे हो आप, तो आप डायरेक्टली मुझसे विद द हेल्प ऑफ क्या है हैंड रेज कीजिए, मैं आपको यहाँ पे परमिट करूंगा, वॉइस एक्सेस दूंगा, उसके बाद बेटा आप डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ वॉइस भी मुझसे क्वेश्चन कर पाओगे। ओके एंड अगेन मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन बता देता हूँ बेटा। मैं शैलेंद्र सोनी, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी क्लियर हुआ है मेरा 2010 में, तब से लेके बेटा अभी तक के मैं बायोलॉजी जो है एज ए ट्यूटर टीच कर रहा हूँ, जिसमें 10 ईयर प्लस टीचिंग एक्सपीरियंस जो है बेटा अभी तक के मुझे हो चुका है। मेरा बीएड भी कंप्लीट हुआ है और साथ ही साथ बेटा एमपीपीएससी लाइफ साइंस का एक एग्जाम होता है, ये भी मैंने क्वालिफाई किया हूँ। ओके तो यहाँ पे बेटा आप जानते हो जैसे कि बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी में एक तो बॉटनी और दूसरा जूलॉजी, 2 पोर्शंस यहाँ पे आते हैं। तो बॉटनी एंड जूलॉजी जो है यदि हम देखें तो यहाँ पे दोनों भी पोर्शन जो है, ये मैं आप लोगों को डील्स करूंगा, जितने भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है बायोलॉजी से रिलेटेड ये सारी चीजें बेटा मैं यहाँ पे आप लोगों को टीच करने वाला हूँ। ओके तो इससे रिलेटेड हो सकता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करो आप, लेकिन मैं यहाँ पर हूँ बेटा, जो भी आपको डाउट्स आते हैं आप बेझिझक किसी भी टाइप के डाउट्स मुझसे पूछ सकते हो बेटा, बेझिझक आप सारी चीजें जो है मुझसे क्लियर कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग जो भी थ्योरी है बायोलॉजी का वो हम सबसे पहले कंप्लीट करेंगे। थ्योरी जैसे ही कंप्लीट होता है बेटा तो थ्योरी के बाद बेटा हमारा डिस्कशन सेशन हम यहाँ पर लेंगे। कौन सा सेशन लेंगे हम लोग? डिस्कशन सेशन, जिसमें बेटा जितना भी जो पोर्शन है विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की हेल्प से यहाँ पे इंटायर चैप्टर जो है रिवाइज करेंगे। तो यहाँ पे ये नहीं सोचना बेटा कि ये जो एमसीक्यूज जो रहेंगे वो सिर्फ नीट के स्टूडेंट के लिए ही रहेंगे बेटा। एमसीक्यू मीन्स यहाँ पे चैप्टर का हमारा रिविजन होगा। तो इस रिविजन में हम लोग डायरेक्टली जितना भी एक एक लाइन है हमारा एनसीईआरटी का विद द हेल्प ऑफ ट्रिक, विद द हेल्प ऑफ स्टोरीज, विद द हेल्प ऑफ एनिमेशंस, तीनों भी तरीके से यहाँ पे हम अपने चैप्टर्स के मेन कंसेप्ट जो है एक एक पार्ट को बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे। ओके तो यहाँ पे देखिए बेटा सारी चीजें आप तो बहुत कुछ वैसे भी जानते होंगे, ठीक, फिर भी यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ बेटा। तो इसमें पहली चीज तो बेटा हम लोग जो एनसीईआरटी है, ओके सबसे पहले यहाँ पे जो 11th का एनसीईआरटी है ये, और इसमें कौन कौन से चैप्टर्स है बेटा ये हम सबसे पहले समझेंगे 11th के एनसीईआरटी के बाद। फिर नेक्स्ट बेटा आपको मैं 12th का एनसीईआरटी ये बताऊंगा, मीन्स हमें यदि आपको नीट का एग्जाम देना हो, जैसे कि यहाँ पे नीट बायोलॉजी ऑनलाइन यहाँ पे मैंने टाइटल दिया है, या फिर आपको बोर्ड का एग्जाम देना हो, तो चाहे नीट का हो या बोर्ड, बोर्ड में सीबीएसई बोर्ड या स्टेट बोर्ड, तो बेटा सबसे मेन होता है बेटा हमारा बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। और एनसीईआरटी का ही एक ऐसा बुक है बेटा जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सारा कुछ आपको यहीं पे मिलेगा। ओके तो सबसे पहले बेटा हम एनसीईआरटी को फोकस करेंगे और नीट का एग्जाम भी हम दे रहे हैं बेटा, तो 80 से लेके 90% क्वेश्चंस एज इट इज कहाँ से आते हैं बेटा? एनसीईआरटी से ही आते हैं। ओके तो अब यहाँ पे एनसीईआरटी की यदि हम बात करें तो 11th एंड 12th दोनों भी एनसीईआरटी को यदि हम देखें तो टोटल बेटा यहाँ पे 10 यूनिट्स आती है। कितने यूनिट आएगा? 10 यूनिट्स। 10 में बेटा फर्स्ट 5 यूनिट जो रहेगा वो आ जाएंगे किसकी बेटा? 11th की, और उसके बाद नेक्स्ट जो 5 यूनिट जो रहेगा वो रहेगा 12th का। ओके किसी का भी यहाँ पे हैंड रेज हुआ है बेटा?
किसी को कुछ प्रॉब्लम है बेटा, सबसे पहले तो आप अपने नेम को रिनेम कर दीजिए। आप देखिए वहां पे पार्टिसिपेंट का एक ऑप्शन आ रहा होगा, वहां पे आपका नेम आ रहा होगा। ये vivo1906 से मुझे 100 का नोटिफिकेशन मिला है। तो बेटा सबसे पहले तो आप अपना नेम जो है उसे रिनेम कर दीजिए। 2 से 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जो यहाँ पे रिनेम नहीं किए हुए हैं, आप रिनेम कर लोगे बेटा तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके चलो, नो डाउट किसी के, ठीक कुछ रहा बेटा तो चैट में भी आप डायरेक्टली पूछ सकते हो। तो यहाँ पे बेटा जैसे मैं आप लोगों को क्या कह रहा था कि सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी एनालिसिस जो है, एनसीईआरटी की जो चैप्टर्स हैं उसका हम लोग एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले मींस एक्चुअली क्या चैप्टर्स है, कौन कौन से चैप्टर्स है और क्या हमें स्टडी करना है, और कैसे यहाँ पे हम लोग अपने कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर पाएंगे। तो पहली चीज तो बेटा 11th एनसीईआरटी जो है इसमें फर्स्ट जो यूनिट है बेटा ये आती है डायवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। अब डायवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड की यदि हम बात करें बेटा, तो इसमें हम लोगों को जो स्टडी करना है, पहली चीज तो बेटा डायरेक्टली जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, तो यहाँ पे बेटा हम लोग जानेंगे लाइफ क्या होती है पहली चीज। तो लाइफ के बाद ऑर्गेनिजम्स का जो क्लासिफिकेशन है, जैसे कि बेटा हम जानते हैं कि इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में, ठीक है, बहुत वास्ट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स हमें देखने को मिलते हैं। ओके, तो वास्ट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स की यदि हम बात करें तो यहाँ पे बेटा जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम एक एनिमल की बात कर ले या फिर एक प्लांट की बात कर ले। ओके, तो एनिमल हो या फिर प्लांट हो, तो उसके ये हम देखें तो कितने सारे एनिमल्स और कितने सारे प्लांट्स अवेलेबल है। तो पहली चीज तो बेटा हमको सबसे फर्स्टली लिविंग वर्ड मींस लाइफ और ऑर्गेनिजम्स और उनका क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन जैसे कि RH विटेकर का आप लोगों ने 10th में या 9th में क्लासिफिकेशन पढ़े होंगे बेटा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें ऑर्गेनिजम्स को मोनेरा, प्रोटिस्टा और क्या था बेटा, एनिमेलिया, फंजाई और प्लांटिस, तरह से 5 कैटेगरीज में, 5 किंगडम में क्लासिफाई किया है। एंड उसी के साथ साथ बेटा डिटेल में प्लांट्स यदि हम देखें तो एक छोटे से प्लांट से लेके कम्प्लीटली डेवलप प्लांट, मीन्स एक प्लांट ऐसा होता है जिसमें फ्लावर नहीं होते, और एज इट इज एक प्लांट ऐसा भी होता है जिसमें फ्लावर होते भी है। तो नॉन फ्लावरिंग प्लांट से लेके फ्लावरिंग प्लांट मीन्स एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ओके, ये जो प्लांट है, और एज इट इज बेटा एनिमल्स जिसमें नॉन कॉर्डेट इनवर्टिब्रेट्स हम कहते हैं, वहां से लेके कॉर्डेटा तक के रेप्टाइल्स की बात कर लो, एम्फीबियंस की बात कर लो। ओके, ये सारी जो कंसेप्ट है हम लोग इस पोर्शन में स्टडी करेंगे। ओके, क्लियर हुआ बेटा? ओके ग्रेट। किसके साथ वॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है बेटा? बेटा आपका नेम पहले बताओ, vivo1906, आई डोंट नो, रिनेम करने के लिए कहा बेटा मैंने आपको, अभी तक आपको ये भी नहीं समझा, वॉइस का प्रॉब्लम है, एक बार क्लास बेटा रीज्वाइन कर लो यदि वॉइस का प्रॉब्लम होगा तो। ये क्लास JEE के लिए भी है? हाँ बेटा, ये क्लास जो है स्पेशली देखिए JEE का सिलेबस तो आपको मालूम होगा, उसमें बायो नहीं आता है बेटा। हाँ, लेकिन यदि आप JEE पढ़ रहे हो और प्लेन होगा आपका, तो उसमें बायोलॉजी तो आपको पढ़ना ही है, तो उसमें बेटा आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे ये क्लास। ओके बेटा वासनिक, ओके, किसी को और कुछ क्वेश्चंस पूछना है बेटा? मैं आप लोगों को वॉइस में एक बार एक्सेस दे देता हूँ, किसी की भी कुछ भी क्वेरीज है तो वहां पे बेटा फोन को अनम्यूट करो, नीचे साइड आपको म्यूट अनम्यूट दिया दिख रहा होगा। ओके, और किसी को भी कुछ भी पूछना है, हाँ जनरल साइंस चलेगा बेटा, जनरल साइंस के लिए है, ठीक है। अब देखिए ज्यादातर मेरा हैबिट है मैं नीट नीट बोलता हूँ, तो डोंट माइंड, मीन्स यहाँ पे जो हम क्लास कर रहे हैं ये, हाँ सारा कुछ बेटा बायोलॉजी से रिलेटेड, आप का भी एग्जाम दे रहे हो, बोर्ड का एग्जाम भी दे रहे हो, या हेलो फिर आप,
क्या चीज, कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी दे रहे हो, तो सभी में आप लोगों को ये क्या चीज बायोलॉजी का ये जो क्लास है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। एम्स फिलहाल बेटा बंद हो गया है, पहले एम्स के एग्जाम होते थे, अभी एम्स भी नीट में आ गया है। ओके बेटा कृष्णा, ये जो सिलेबस है कॉमन है बेटा, हम कॉमन कंसेप्ट समझ रहे हैं समीक्षा, ठीक है। यहाँ पे बोर्ड और नीट जो है ऐसा कुछ भी फिलहाल नहीं होगा, अभी हम लोग यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिक कंसेप्ट बेटा जो रहेगा वो नीट के लिए भी रहेगा और बोर्ड के लिए भी रहेगा, समझ गए। बोर्ड लेवल पे ऐसा रहेगा बेटा और नीट लेवल पे सिर्फ डिफरेंस कि नीट में हम थोड़ा एडवांस लेवल के एमसीक्यूज का प्रैक्टिस करेंगे, समझ गए। बट सबसे पहले एंटायर हमें चैप्टर्स कंप्लीट करना है, और मैं जो भी पढ़ाऊंगा बेटा आप लोगों को इतने अच्छे से एक एक पार्ट क्लियर हो जाएगा कि आप चाहे नीट की बात करो या बोर्ड की, सारी चीजें आपको इजी लगने लगेगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग आगे के कंसेप्ट जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज का ये लेक्चर जो है इसमें मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ बेटा कि बायोलॉजी में हमें एक्चुअली क्या क्या पढ़ना है, जिसमें 11th और 12th एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसका हम लोग यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन जो है वो हम देख रहे हैं। इज इट क्लियर बेटा। अभी कुछ लोगों को मैंने आपको एक्सेस दिया था तो सारे के सारे लोग बोल रहे थे, प्रॉब्लम ये हो रहा था कि फिर आप भी बोलोगे और मैं भी बोलोंगे बोलूंगा तो वॉइस जो है वो क्या है फाइट करेंगे आपस में और फिर लेक्चर जो है इंप्रेशन नहीं हो पाएगा। ओके चलो स्टार्ट करते बेटा। तो यहाँ पे बेटा फर्स्ट यूनिट जो है इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिजम्स जो है ठीक है उनके बारे में हमें यहाँ पे स्टडी करना है। सेकंड यूनिट जो आता है बेटा एनसीईआरटी का, तो सेकंड यूनिट में ऑर्गेनिजम्स जो है इसका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्टडी करना है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है बेटा इसमें जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक पर्टिकुलर एनिमल की हम बात करते हैं ठीक है, या फिर जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम ह्यूमन बींग्स की यदि हम बात करें तो ये हमको बाहरी रूप जो दिखाई दे रहा है वो कैसे है और उसी के साथ साथ इंटरनल बॉडी कैसी है, ये हमको कंप्लीटली हमें स्टडी करना है ठीक है। तो यहाँ पे बेटा बायोलॉजी का इसी का एक ब्रांच आता है जिसको जनरली टू टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो आता है यहाँ पे मॉर्फोलॉजी, क्या आता है बेटा मॉर्फोलॉजी आता है, और इसी के साथ साथ एक आता है एनाटॉमी। तो अब मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी की यदि हम बात करें तो मॉर्फोलॉजी मीन्स होता है बेटा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर या एक्सटर्नल फीचर्स का स्टडी करना, और यही चीज हम एनाटॉमी की यदि हम बात करें बेटा तो इंटरनल जो ऑर्गन्स प्रेजेंट है, तो इंटरनली जो ऑर्गन्स प्रेजेंट है तो इंटरनल ऑर्गन्स का स्टडी करना, समझ गए। तो इस तरह से ये क्या हो गया बेटा, इस जो यूनिट सेकेंड है बेटा इसमें हम लोग मॉर्फोलॉजी जो प्लांट की है और एनाटॉमी जो प्लांट का है और एज इट इज बेटा एनिमल, तो प्लांट और एनिमल में उसका एक्सटर्नल रूप क्या है और इंटरनल फीचर्स क्या है, ये सारी चीजें बेटा हम इस यूनिट में स्टडी करेंगे। ओके अब यहाँ पे थोड़ा सा और भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ बेटा, जैसे कि फॉर एग्जांपल मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, तो आपको मालूम है बेटा एक प्लांट की यदि हम बात करें तो प्लांट मीन सबसे पहले तो सीड होगा, सीड का जर्मिनेशन होगा, जर्मिनेशन होने के बाद बेटा इस तरह से ये ग्रो किया, ग्रो करने के बाद बेटा इसमें रूट स्टेम और लीफ का इस तरह से डेवलपमेंट हो गया, लीफ डेवलपमेंट होने के बाद फिर आगे चल के बेटा ये प्लांट और डेवलप होता है जिसमें से फिर क्या होते बेटा इस तरह से फ्लावर लगेंगे, फ्लावर के बाद बेटा इसमें फ्रूट्स आएंगे, फ्रूट्स के बाद फिर से सीड बनेगा, तो इस तरह से प्लांट का कंप्लीट लाइफ साइकिल हो गया। इसी तरह से बेटा प्लांट में ये जो लीफ है इस लीफ का अरेंजमेंट होता है, लीफ में बेटा इस तरह से वेनेशन होता है, ये सारी चीजें जो है ठीक है। तो ये सारा पार्ट जो है ये क्या हो गया बेटा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। अब एनाटॉमी पे यदि हम आते हैं बेटा प्लांट की, तो अब एनाटॉमी में हमें मालूम है बेटा प्लांट ने जो ग्रो किया तो ग्रो कैसे किया बेटा विद द हेल्प ऑफ रूट, रूट में बेटा कुछ ना कुछ ऐसा ऑर्गन प्रेजेंट थे जिसकी हेल्प से सबसे पहले वाटर और मिनरल्स आए, मिनरल्स आने के बाद फिर ये क्या है आगे इस तरह से ट्रांसफर हो रहे हैं,
मीन्स यहाँ पे जो कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, जो वाटर एंड फूड का ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो वो प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर में आता है। प्लांट में बेटा टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये हम जो स्टडी करेंगे वो कहाँ पे स्टडी करेंगे बेटा, इस प्लांट का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में। ओके हेलो बेटा, ये वाला एक इंट्रोडक्टरी पार्ट समझ में आया? रिस्पॉन्स करना बेटा चैट बॉक्स में यस या नो के फॉर्म में, ठीक है? क्योंकि यस और नो का ही आपका जो आंसर रहेगा वो हमारी कनेक्टिविटी को कनेक्ट करके रखेगा। जहां पे प्रॉब्लम है इमीडिएटली चैट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछिए। वेरी गुड बेटा, सभी के आंसर यहाँ पे आ रहे हैं। वैभव, प्रिया, प्रांजल, कोनिका, चशक, ऐश्वर्या, आर्या, क्रिस, श्रेया, संजोइट, वेरी गुड बेटा, समीक्षा, गुड, ग्रेट। तो ये हो गया हमारा सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट के बाद बेटा हम लोग नेक्स्ट यूनिट पर आते हैं। तो नेक्स्ट यूनिट जो है बेटा यहाँ पे यूनिट थर्ड। अब ये जो यूनिट थर्ड की यदि हम बात करें बेटा, तो यूनिट थर्ड में स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, ठीक है, किसका बेटा? सेल का। आप जानते हैं बेटा एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स, आपकी बात करो, मेरी बात करो, या फिर किसी प्लांट की बात करो, या किसी भी ऑर्गेनिजम्स की हम बात करें, तो कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स का जो बॉडी है वो किससे बना है बेटा? सेल से बना है। और सेल जो है बेटा क्या होता है? लाइफ का एक फंडामेंटल यूनिट होता है। तो यहाँ पे सेल और सेल में इनसाइड प्रेजेंट होते हैं सेल ऑर्गेनल्स, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, प्लांट में हम देखेंगे तो क्लोरोप्लास्ट, साथ ही साथ राइबोसोम्स। तो ये जितने भी जो स्ट्रक्चर सेल में इनसाइड प्रेजेंट है, ये हम लोगों को यहाँ पे सेल के स्ट्रक्चर वाले पार्ट में स्टडी करना है। फिर सेल का यदि हम एक कंपोजिशन देखते हैं, तो इनसाइड द सेल, सपोज सेल है, इनसाइड द सेल ये हो गया न्यूक्लियस। बट न्यूक्लियस के अलावा बेटा यहाँ पे यदि हम देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस इसमें प्रेजेंट है, जो क्या कर रहे हैं बेटा, सेल की लाइफ को मेंटेन करके रखते हैं। दैट इज बायोमोलिक्यूल। सेल को सर्वाइव करना है तो यहाँ पे बेटा सेल किस तरह से सरवाइव कर पाएंगी? तो यहाँ पे बेटा इसके लिए चाहिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, जिसको सिंपल टर्म में हम क्या कहेंगे बेटा, बायोमोलिक्यूल। तो ये हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। फिर सेल बेटा आपको मालूम है कि छोटा सा बच्चा जब बड़ा होता है तो सेल आपस में डिवाइड होती है। सेल में दो टाइप का डिविजन होता है, एक मियोसिस होता है और एक माइटोसिस होता है, जिसकी वजह से सेल बेटा कंटिन्यूअसली क्या है, डिवाइड होते जा रही, डिवाइड होते जा रही, इस तरह से रैपिड यहाँ पे डिवीजन जो है ये कंटिन्यूअसली हो रहा है। तो सेल डिवीजन क्या होता है और सेल साइकिल क्या होती है, ये हमें समझना है, ठीक है? आपने सोचे होंगे कि कैसे एक छोटा सा बच्चा जो है इतना बड़ा हो गया, ठीक है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन है, कैसे हो रहा है, क्या रीजन है? तो ऑब्वियसली बेटा वहां पे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में क्या बेटा, सेल डिवीजन का एक प्रोसेस कंटिन्यूअसली चल रहा है, जिसकी वजह से बेटा बॉडी में ग्रोथ और डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो सेल का इस पोर्शन में बेटा हम लोग जो यूनिट थर्ड है इसमें ये तीन कंसेप्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल थ्री कंसेप्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल चैप्टर्स ऑफ बायोलॉजी, चाहे हम यूनिट वन की बात कर लो या यूनिट टेन की बात कर लो, इलेवंथ का एनसीईआरटी की बात कर ले या फिर ट्वेल्थ का एनसीईआरटी का बात कर ले, सभी में हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आएगा। ओके, समझ में आ गया बेटा? फिर ये होने के बाद फिर हम आते हैं नेक्स्ट यूनिट पर, दैट इज फिजियोलॉजी। अब यहां पे आया है प्लांट फिजियोलॉजी। तो यूनिट फोर जो है बेटा प्लांट फिजियोलॉजी और यूनिट सिक्स जो है ये ह्यूमन फिजियोलॉजी है। तो थोड़ा सा एक काम करते हैं, पहले फिजियोलॉजी को हम समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो देखिए बेटा सबसे पहले हम फिजियोलॉजी को हम देखें, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हम अपनी बात करते हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी की हम बात करते हैं, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी की यदि हम बात करें बेटा, तो पहली चीज तो फॉर एग्जाम्पल मैंने ब्रीथ किया, ओके, ब्रीथ आउट किया। अब मैंने कोई भी जो फूड है, आपको थोड़ा फ्लक्चुएशन हो रहा हूँ, थोड़ा आगे आ जाता हूँ मैं, ठीक है? मेरा देखिए कैमरा इधर है, आउटपुट इधर साइड है, तो दोनों साइड, अब इधर मैं यदि आउटपुट देखूंगा या आपका चैट देखूंगा तो थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि फेस कहीं और है, बट कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो मैं क्या आप लोगों को बता रहा हूँ। ओके, तो देखिए बेटा यहाँ पे हम लोग जो समझ रहे हैं क्या चीज, फिजियोलॉजी एक्चुअली क्या है। तो फिजियोलॉजी मीन्स हमारे बॉडी में
जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो हो रही है वो एक्चुअली कैसे हो रही है वो हमें यहाँ पे समझना है। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी में यदि हम प्लांट की बात करते बेटा, तो प्लांट को लेके यदि हम समझेंगे तो प्लांट में देखिए, प्लांट में क्या हो रहा है बेटा, जैसे कि यहाँ पे प्लांट को जो नीड है, किस चीज की नीड है बेटा, सबसे पहले तो उसको वाटर मिनरल्स जो भी चीजें चाहिए, तो वो रूट की हेल्प से क्या करेगा, सबसे पहले एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब किया रूट की हेल्प से, तो उसमें होता है बेटा ट्रांसपोर्ट, क्योंकि रूट की हेल्प से उसने जो भी वाटर को उसने एब्जॉर्ब किया है, तो वो वाटर को लेकर के प्लांट के कंप्लीट पार्ट तक के ट्रांसफर कर रहा है। समझ में आ रहा है, ट्रांसपोर्ट हो गया, साथ ही साथ कुछ मिनरल्स भी रहेंगे वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है। फिर एटमोस्फियर से उसने कार्बन डाइऑक्साइड लिया और सनलाइट लिया, तो सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के फाइनली क्या हो रहा है बेटा, वहां पर सनलाइट से लाइट लेकर के कार्बन डाइऑक्साइड लिया एटमोस्फियर से, यहाँ पे होगा एक प्रोसेस जिसे क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है। फिर उसके बाद बेटा जो फूड बना है उसको रेस्पायर करेगा, तोड़ेगा, क्योंकि फूड जो बन रहा है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, जो स्टोर जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, तो जो ग्लूकोज है उसको तोड़ेगा, और तोड़ने के बाद वहां से बनेगी एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में होती है बेटा, एनर्जी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, बताएंगे जल्दी से, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एनर्जी किस फॉर्म में होता है, याद है किसी को, मालूम है, एनीबडी नोज? वेरी गुड, कृष्णा का आंसर आया बेटा, अदिति, जानवी, ग्रेट। ओके, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ग्रेट बेटा, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी जो है प्रेजेंट होती है, वेरी गुड। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, तो ये जो एटीपी जो बना, मींस यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लांट में जो प्रोसेस हो रही है, ये कौन सा प्रोसेस हो रहा है बेटा प्लांट में, प्लांट में ये जो प्रोसेस हुआ ये कहलाता है प्लांट फिजियोलॉजी। ओके, क्या कहलाएगा ये, प्लांट फिजियोलॉजी। फिर इसके बाद यही कंसेप्ट हम ह्यूमंस में बात करें, तो प्लांट ने तो बेटा एनर्जी बना लिया, फिर उस फूड को हम खाएंगे, ठीक है, प्लांट ने जो फूड स्टोर किया इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ओके, तो स्टार्च को जब हम कंज्यूम करेंगे, तो स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, उसको हमें सबसे पहले ब्रेक करना पड़ेगा सिंपल फॉर्म में, तो उससे हमें क्या करना पड़ेगा, डाइजेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन डाइजेशन के बाद फूड का बेटा एब्जॉर्प्शन होगा, और एब्जॉर्प्शन के बाद ग्लूकोज के फॉर्म में हमारे बॉडी और सेल्स और टिश्यूज तक के फूड पहुंच गया। लेकिन उस ग्लूकोज से हमको एनर्जी निकालना है, तो उस ग्लूकोज को तोड़ना पड़ेगा। कैसे टूटेगा बेटा वो, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की हेल्प से ये टूट गया, जिसे कहेंगे बेटा ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। फिर आता है बेटा, जैसे कि फॉर एग्जांपल ह्यूमन में हमारा, यदि हम बॉडी की यदि हम बात करें, ठीक है, इमेजिन करो कि जैसे हमारा बॉडी का इतना बड़ा ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर है हमारा, तो अब यहाँ पे जैसे हमारा बॉडी का ये आईज वाला पार्ट हो गया, इधर ये बॉडी का अलग अलग पार्ट हो गया। अब सपोज बॉडी के हमारे इस पार्ट पे हमको एनर्जी चाहिए, इस पार्ट तक के सबसे पहले फूड को भी पहुंचाना है, और उसको तोड़ने के लिए बेटा ऑक्सीजन पहुंचाना, तब जाके एनर्जी बनेगी। तो यहां से फूड को यहां तक पहुंचाना है, तो अपने आप नहीं पहुंचेगा, तो उसके लिए बेटा क्या चीज, बॉडी फ्लूड एंड सर्कुलेशन मीन्स ट्रांसपोर्ट का एक मैकेनिज्म काम करता है, तो वो वाला पोर्शन हमें यहाँ पे स्टडी करना पड़ेगा, मीन्स विद द हेल्प ऑफ ब्लड, जो हमारा एक बॉडी फ्लूड होता है जो फ्लो करके फाइनली कहाँ पहुंच रहा है बेटा, हमारे बॉडी के एक एक पार्ट तक पहुंच रहा है। लेकिन इसके बाद बेटा जब एनर्जी बनी, तो कुछ ना कुछ वेस्ट हमारे बॉडी से निकलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी से रिलीज होगा, और भी बहुत सारे सब्सटेंस जो है हमारे बॉडी से रिलीज होंगे, तो वो क्या कहलाएगा बेटा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एक्सक्रीशन एंड देयर एलिमिनेशन, मतलब यहाँ पे जो भी हार्मफुल सब्सटेंस है उसे हमारे बॉडी से क्या करना है बेटा, रिमूव करना है। ओके, जो एनर्जी बनी उसका हम कहाँ यूज करते हैं, दौड़ने में, चलने में, खाने में, पीने में, मैं बोल पा रहा हूँ, आप लोगों के सामने बात कर रहा हूँ, लोकोमोशन हो गया, मूवमेंट मूवमेंट हो गया, ये सारे एनर्जी का हम यूज करेंगे। लेकिन ये सारी प्रोसेस बेटा अपने आप नहीं चल रही है, ये सारा प्रोसेस बेटा हमारे ब्रेन से कनेक्टेड है, हमारे हार्मोनल लेवल और नर्वस सिस्टम पे कनेक्टेड है। तो इस प्रोसेस को चलाने के लिए हमें बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझना बेटा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स, विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन्स। तो इस तरह से बेटा 11th के एनसीईआरटी के 5 चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, और 11th एनसीईआरटी का 5 चैप्टर्स कंप्लीट होने के बाद फाइनली हम जंप करेंगे कहाँ पे, 12th एनसीईआरटी पे। तो थोड़ा सा एक एनिमेशंस की हेल्प से देखते हैं बेटा हम लोग कैसे हम ब्रीथ कर पा रहे हैं, कैसे हम लोग जो है क्या कह सकते हैं, हम लोग
डाइजेस्ट कर पा रहे हैं, कैसा एक्टिविटी हो रहा है। ओके, तो समझना है बेटा सारे कंसेप्ट को बहुत अच्छे से विजुअलाइज करते हुए। ओके, तो देखिए बेटा जैसे कि एक पर्सन है, तो यहाँ पे हमको ब्रीथिंग और गैसेस एक्सचेंज जो है, तो मैकेनिज्म ब्रीथिंग जो होती है बेटा, तो यहाँ पे देखिए इतने अच्छे से इस एनिमेशन में आप देख पा रहे हो कि कैसे बेटा यहाँ पे लंग्स जो है जो प्रोटेक्टेड है रिप्स से। तो रिप्स क्या होता है ये हमें समझना है, लंग्स जो है कैसे प्रोटेक्टेड है, लंग्स के नीचे एक मसल्स होती है ठीक है, जैसे डायफ्राम कहते हैं बेटा। तो इस तरह से बेटा ये डायफ्राम की वजह से हमारे बॉडी को दो कैविटी में डिवाइड कर दिया है, एक नीचे का जो आएगा बेटा एब्डोमिनल कैविटी और एक ऊपर की जो आएंगी थोरेसिक कैविटी, समझे, ये हम लोग यहाँ पे जानेंगे। और किस तरह से एक्चुअली बेटा ब्रीथिंग का प्रोसेस यहाँ पर हो रहा है ये हम समझेंगे। तो देखो एनिमेशन में समझते बेटा, देखो एयर आ रही है एयर जा रही है, ब्रीथ इन हो रहा है ब्रीथ आउट हो रहा है, इंटरकोस्टल मसल्स होती है यहाँ पे बेटा जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है कंटिन्यूअसली। तो इंटरकोस्टल मसल्स क्या है एक्चुअली, उसका रोल क्या है, क्या कर रही है यहाँ पे, कैसा यहाँ पे उसका एक्चुअली मैकेनिजम्स हो रहा है, ये सारी चीजें बेटा हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। मतलब बायोलॉजी का जो भी पोर्शन है हर पोर्शन मैंने पहले बताया बेटा विद द हेल्प ऑफ स्टोरी, विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स, विद द हेल्प ऑफ एनिमेशंस, कंप्लीट बायोलॉजी जूलॉजी एंड बॉटनी जो है यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ डील्स करने वाला हूँ, टीच करने वाला हूँ, और सारे कंसेप्ट बेटा बहुत अच्छी तरह से आपके क्लियर होंगे, समझे। तो इस तरह से बेटा एक्चुअली मैकेनिजम्स ऑफ ब्रीथिंग कैसे होता है ये हम इस पोर्शन में डिटेल में आगे चल के स्टडी करेंगे। ओके, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, तो अभी तो बेटा यहाँ पे थोड़ा सा और टेक्निकल पार्ट में आपको समझाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हम बेटा डायरेक्टली कहीं पे भी डायरेक्ट जंप नहीं करने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप हम लोग एक एक पार्ट को समझेंगे, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे आप लोगों को डायरेक्टली पल्मोनरी वेंटिलेशन पढ़ा दिया, तो आपको ये नहीं मालूम कि पल्मोनरी का टर्म का मीनिंग क्या है, फिर पल्मोनरी वेंटिलेशन अभी नहीं समझेगा, ठीक है। तो वो हम स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि बायोलॉजी को बेटा पढ़ना है और आसान करना है, इजी करना है, तो इसके लिए हमारे लिए एक ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और वो है बेटा बायोलॉजी की टर्मिनोलॉजी क्लियर करना। देखो बेटा ये डाइजेशन का मैकेनिज्म्स है, इस एनिमेशन में हम लोग यहाँ पे इस तरह से स्टडी करेंगे कि एक्चुअली हमारा फूड हम जो डाइजेस्ट करते हो कैसे हो रहा है। तो फूड को बेटा हम सबसे पहले च्यू करते हैं, च्यूइंग के बाद बेटा देखिए यहाँ पे मैस्टिकेशन होता है एक्चुअली, इसका सिंपल टर्म जो मेडिकल टर्म में हम जाते हैं बायोलॉजिकल टर्म, तो मैस्टिकेशन बोलते हैं। सलाइवरी ग्लैंड ने बेटा सलाइवा सीक्रेट किया और फूड बेटा एक बॉल के समान एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे बोलस कहते हैं, जो फेरिंग से होते हुए एसोफेगस में जाएगा। तो उसके पहले देखो ये इस तरह से कार्टिलेजिनस एक टिश्यू होता है बेटा, ठीक है, जो क्या करेगा बेटा फूड की एंट्री। देखो आपने कभी कभी देखे होंगे कि हम खाना खाते हैं और खाते खाते कुछ बात कर लेते हैं तो एकदम से ऐसा होने लग जाता है ना, मींस फूड जो है कहीं तो भी हमारा एयर पाइप को ब्लॉक कर देता है, समझे। तो आपने सुने होंगे कि खाना खाते टाइम बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम बात करते हैं बेटा तो आप देखो जब हम बोल रहे हैं तो आप खुद फील करो कि एयर जो है बाहर आता है तब जाके हम बोल पाते हैं, एयर को ब्रीथ इन करते हो आप बोल के देखो कभी हो नहीं पाएगा, ब्रीथ आउट करते ही बोलोगे, और जब फूड आप खाओगे तो फूड अंदर जाएगा एयर बाहर आएंगे, दोनों के बीच में फाइट होंगी, समझे, इसलिए खाते टाइम बोलना नहीं है। तो अब देखो इस तरह से क्लोज होता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो होता है बेटा एपिग्लॉटिस होता है जो विंड पाइप को क्लोज कर दे रहा है, और गलती से फूड यहाँ पे अटक गया तो फिर पर्सन का डेथ भी हो सकता है, क्योंकि एयर पासेस कंप्लीटली ब्लॉक हो जाएगा। तो ये फूड पाइप मींस ट्रैकिया होता है उसके जस्ट बिहाइंड, यहाँ पे पोस्टेरियल टू ट्रैकिया प्रेजेंट होता है एसोफेगस, जिसकी हेल्प से फूड जो है यहाँ पे एक मोमेंट होता है बेटा जिसे कहते हैं पेरिस्टाल्सिस मोमेंट। तो पेरिस्टाल्सिस मोमेंट की हेल्प से फूड जो है फाइनली कहाँ पे पहुंचा, स्टमक में। ओके, पेरिस्टाल्सिस मोमेंट का मतलब देखो ये जो मसल्स है ना इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रही है, देख रहे हैं इस तरह से फूड जो आगे पास हो रहा है, तो इस मोमेंट को कहते हैं बेटा पेरिस्टाल्सिस मोमेंट। इसके बाद फूड कहाँ पहुंच गया, स्टमक में, जहां पर टेम्परली स्टोर्ड होगा फूड। टेम्परली स्टोर्ड होने के बाद फाइनली फूड जो है ये आगे पास होगा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद फिर फाइनली फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है, ठीक है। कहाँ पे क्या चीज डाइजेस्ट होती है ये भी हम समझेंगे, आज का बेटा सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, तो टेंशन नहीं लेना क्या समझा क्या नहीं समझा, मैं सिर्फ आपको विजुअलाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ क्या क्या हमें पढ़ना है, ठीक है। एक एक पार्ट बहुत अच्छी तरह से हमारा क्लियर होगा।
फिर इसके बाद फाइनली जो फूड है बेटा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है जिसे डियोडेनम कहते हैं। यहाँ पे बेटा कंप्लीट डाइजेशन होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड है बेटा हमारे न्यूट्रिएंट्स, इसका एब्जॉर्प्शन होता है, जिसमें बेटा लीवर और पैनक्रियाज दोनों भी ऑर्गन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फूड के डाइजेशन में। फूड जब डाइजेस्ट होगा तो उसके बाद फूड का एब्जॉर्प्शन होगा बेटा, और एब्जॉर्प्शन होने के बाद फाइनली फूड जो है, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ वो लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचा सीकम कोलोन रेक्टम की हेल्प से। फाइनली जितना भी वाटर है कोलोन में एब्जॉर्ब होने के बाद अनडाइजेस्टेड वेस्ट जो है वो हमारे बॉडी से क्या हो जाएगा बेटा, आउट हो जाएगा। तो ये है हमारा 11th का एनसीईआरटी का कंसेप्ट। ठीक है, अभी मैं आपको वॉइस में एक्सेस दे रहा हूँ। ठीक, बहुत से लोग बहुत लेट ज्वाइन किए थे बेटा, तो सबसे पहले बेटा वन बाय वन, ऐसा नहीं कि वॉइस में एक्सेस दिया तो सारे के सारे लोग बोलने लगेंगे। ओके, तो पहली चीज तो बेटा ये बताओ, यहां तक के कंसेप्ट समझाया तो कुछ नहीं, सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी पोर्शन हम लोगों ने थोड़ा सा समझने की कोशिश की, मीन्स हम आपस में एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं बेटा। इट इज नॉट अ यूट्यूब लेक्चर्स या ऑफलाइन लेक्चर्स, इट इज अ इंटरएक्टिव लेक्चर्स जिसमें आपका और मेरा इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है। हर्षल का हैंड रेज हो रहा है बेटा, ओके बेटा हर्षल बोलिए, जिसे भी बात करना बेटा वो हैंड रेज करेंगे। हाँ बेटा, डाइजेशन और लीवर रिलेटेड है बेटा वैभव, जिसे भी बात करना है वो लोग बेटा हैंड रेज करेंगे। हाँ संजोत बेटा, संजोत बोलो, म्यूट अनम्यूट नहीं करना, एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। यदि नो क्वेरीज तो आगे बढ़े, चैट में आप रिस्पांस दे सकते हैं बेटा, यदि आपके किसी भी डाउट नहीं है किसी के भी तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके आगे चले फिर फाइनली, ग्रेट, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते इसी तरह से हम लोग। तो ये था बेटा 11th का एनसीईआरटी। 11th के एनसीईआरटी में हमें क्या क्या स्टडी करना है और कौन से चैप्टर्स है, क्योंकि देखिए बेटा किसी भी चीज को सबसे पहले डिजाइन कर लो और वहां पे जाना कहाँ है वो पहले से प्लानिंग हो जाए, और कैसे कैसे जाना है वो सही प्लानिंग होगा तो सक्सेस हमें बहुत अच्छी तरह से मिलेगी। ओके, तो इसमें बेटा सबसे पहले हम लोग जो स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है, सबसे पहले हम लोग बेटा ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी में क्या था, देखो फिर से वापस स्लाइड पे आते हैं, हम वही वाली स्लाइड पे, ये वाला पार्ट है बेटा ह्यूमन फिजियोलॉजी का। और ये जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है इसमें हम लोग सबसे पहले डाइजेशन से स्टार्ट करेंगे, फिर ब्रीथिंग और ये बाकी के सारे चैप्टर्स। मतलब देखिए बेटा बायोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ लाइफ, लाइफ का जो स्टडी करना है तो सबसे पहले बेटा हम अलग अलग एनिमल्स की और ऑर्गेनिजम्स की लाइफ को कब जान पाएंगे, जब हम अपने आप को जानेंगे। तो जब हम अपने आप को बहुत अच्छी तरह से पहचान लेंगे तो बाकी हर चीज को जानना बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले बेटा हम लोग यहाँ पे जो स्टडी करेंगे वो स्टडी करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी का, समझ गए। ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम लोग सबसे पहले अपने आप को बहुत अच्छी तरह से पहचानेंगे, फिर बाकी सारी चीजें। इसके लिए कुछ कंसेप्ट रहेंगे बेटा जो आगे के लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगा चैप्टर शुरुआत करने के पहले, ठीक है। 3 से 4 लेक्चर बेटा हमारे बेसिक कंसेप्ट पे रहेंगे, वो इसलिए क्योंकि बेटा फाइनली मैं आपको यहाँ पे ह्यूमन फिजियोलॉजी यदि पढ़ा रहा हूँ तो इसके लिए बेटा हमको थोड़ा सा बायोमोलिक्यूल समझना पड़ेगा, क्योंकि फूड को खाना है, फूड हम खाएंगे तो फूड में क्या होता है बेटा, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, लिपिड होता है। तो ये जो फूड हम कंज्यूम कर रहे हैं तो ये कंज्यूम करने के लिए जो भी फूड है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहेगा, उस कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड को तोड़ के कन्वर्ट करके हम फूड को एब्जॉर्ब कर पाएंगे। तो उसके लिए बेटा हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो समझने वाला पोर्शन है दैट इज बायोमोलिक्यूल। तो 3 से 4 लेक्चर बेसिक कंसेप्ट पे रहेंगे, ठीक है। 3 से 4 लेक्चर में आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे कैसा क्या पढ़ना है, और वही पोर्शन बेटा जो अभी तक के आप 10th तक के पढ़ चुके हो वही पोर्शन को हम थोड़ा सा एक बार रिफ्रेश करेंगे, रिवाइज करेंगे, और उसके साथ बेटा फाइनली ये जो चैप्टर है हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हम ये स्टार्ट करेंगे। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का बेटा मैं आपको एनसीईआरटी का पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आप लोग एनसीईआरटी परचेस कर सकते हो चाहो तो मार्केट से, अदरवाइज मैं पीडीएफ आपको सॉफ्ट कॉपी शेयर कर दूंगा, वहां से भी आप लोग पढ़ सकते हो। ओके चलो, तो फाइनली बेटा 12th के एनसीईआरटी पे आते हैं अभी हम लोग, और 12th के एनसीईआरटी में भी क्या क्या हमें स्टडी करना है वो भी हम लोग एक बार देख लेते हैं सारी चीजें, ठीक है। हेलो, यस, नो, आगे बढ़े। गुड बेटा,
मिताली, चैताली, आदित्य, संजोट, ऐश्वर्या, प्रिया, चाषक, समीक्षा, क्रिश। ओके बेटा, वेरी गुड, सभी के आंसर आ गए हैं। तो फाइनली बेटा देखिए, यहाँ पे हम जैसे 12th का एनसीईआरटी हमारा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो 12th के एनसीईआरटी के जो कंसेप्ट है, तो 12th का जो बेटा ये एनसीईआरटी है, तो मीन्स 12th में आ गए तो उसको हम ये नहीं बोलेंगे कि 12th के एनसीईआरटी का यूनिट 1, ऐसा नहीं होता बेटा यहाँ पे। हम बेटा क्योंकि कंप्लीट इसको आगे के चैप्टर में कैलकुलेट किया जाता है, जिसे कहते हैं बेटा यूनिट 6, दैट इज रिप्रोडक्शन, ठीक है। आप जानते हो बेटा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है उसमें कैपेसिटी होती है कि वो अपने ही जैसे मल्टीपल नंबर ऑफ कॉपीज प्रोड्यूस कर सकता है। वो आइडेंटिकल भी हो सकता है और नॉन आइडेंटिकल भी हो सकता है। जिसमें हम रिप्रोडक्शन में बेटा, एक तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है वो समझेंगे, और साथ ही साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। ओके, फिर इसमें बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम एक तो फ्लावरिंग प्लांट और ह्यूमन इसमें पढ़ेंगे, और रिप्रोडक्टिव लाइफ की हेल्प से बेटा ह्यूमन की हेल्थ जो है, ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है। तो ये सारी चीजें हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ में स्टडी करेंगे। तो ये होता है बेटा 12th एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज यूनिट 6। फिर ये सारी चीजें होने के बाद बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिस पर सारी चीज टिकी हुई है, क्या है वो? डीएनए। ओके, तो ये जो डीएनए है, मींस डीएनए के बेस पर सारे एक ऑर्गेनिजम्स का लाइफ चलता है। आपको मालूम होगा एक जीन है, वो जीन एक्सप्रेस हो रहा है, उसकी वजह से ये जो फेस आपको दिख रहा है, उसी की वजह से हमारा ये जो बॉडी है ये आपको दिखाई दे रहा है, समझे। एक सिंगल सेल में इतना इवोल्यूशन हुआ कि वो आज इस तरह से कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लाइफ जो बन गया है। मीन्स यहाँ पे हम लोग पहली चीज तो इसमें एक जो आपको दिखाई दे रहा है इवोल्यूशन, ठीक है, कैसे एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो है ये प्रोड्यूस हुआ है, ये हमें यहाँ पे देखना है। फिर उसी के बेसिस पे बेटा जीन कैसे इनहेरिटेड होते हैं, पेरेंट्स के कैरेक्टर, मतलब कहते हैं ना कि मम्मी पापा के समान उनके बच्चे दिखाई देते हैं, तो क्या रीजन होता है बेटा कि जो पेरेंट्स के समान ही उनके बच्चे दिखते हैं। तो ये सारी चीजें बेटा हम जेनेटिक्स में स्टडी करेंगे, और उसी के कंसेप्ट को इवोल्यूशन में हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, फिर इसके बाद बेटा आपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नाम तो सुने ही होंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं, बेनिफिशियल भी होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बेटा हमें डिसीज कॉज भी करते हैं, और वही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बेटा आज हम यूज करके हमारे फूड की क्वालिटी क्वांटिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं, फूड के प्रोडक्शन को हम बढ़ा रहे हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बेटा आज हम यूज करके अल्कोहल, वाइन, विस्की, एंटीबायोटिक्स, बहुत सारी चीजें आज हम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल बेटा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे बहुत रिसर्च हुआ है, जो कि हम एनसीईआरटी के 12th के नेक्स्ट जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, यहाँ पर हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, फिर ये होने के बाद अब आपको मालूम है बेटा आज के टाइम पे जो ऑनलाइन क्लास का सेशन जो हमारा कंटिन्यू करना पड़ा, उसके लिए उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि कोविड का प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे चलो मैं आपको ये बताता हूँ कि कैसे डरी हुई हमारी लाइफ है, और कोविड मीन्स एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कैसे अपने आप को बचना। लेकिन पर्सन कुछ ज्यादा ही डर गया है सैनिटाइजर्स को लेकर के, तो ये प्रॉब्लम भी आ रही है। तो देखो बेटा यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को लेकर के हम यहाँ पे जो कंसेप्ट समझेंगे, ठीक है, कि कैसे अपने आप को एक हाइजेनिक कंडीशन मेंटेन रख के अपनी हेल्थ को बेटर हम बना सकते हैं, ठीक है। तो शेयर करता हूँ बेटा, कल से ध्यान देंगे। पर्सन है बेटा, समझने की कोशिश करो क्या हो रहा है। बहुत डरी हुई लाइफ है, कह दी गया है कि किसी भी चीज को टच कर दिए यदि, तो कोविड जो है इसकी प्रॉब्लम हो सकती है। अभी पर्सन ने जैसे किसी पर्सन को देखा, बाय मिस्टेक मुझे भी दिखा दे क्या सारा। बेटा फोन म्यूट रखो आप लोग। इस पर्सन को हर जगह वायरस दिख रहा है बेटा। अब इसने
फ्लैश को भी हाथ लगाया तो वहां पे भी जम्स थे जो उसके हाथ में लग चुके हैं, हो सकता है ऐसा। चलो सैनिटाइजर है, गुड लक। अच्छा लेकिन ये क्या हुआ, ओ सैनिटाइजर भी कंटामिनेटेड हो गया। अब वो सैनिटाइजर भी टच नहीं कर सकता क्योंकि हर जगह जम्स ही जम्स दिख रहे हैं उसको, हैंड भी क्लीन नहीं हो पाए और उसको वही पर्सन जाते हुए दिख रहा है। ये पर्सन के हैंड्स पे ऑलरेडी जम्स लगे थे जिसने मोबाइल उठाया था वहां से, और वो जम्स इस तरह से बेटा अब यहाँ पर भी ट्रांसफर हो गए। यहाँ पे बेटा ट्रांसमिशन कैसे होता है वो बताना चाह रहा हूँ मैं। अब वो ये सोच रहा है कि कैसे बाहर निकलूं मैं, जम्स तो हर जगह है, ऐसी डरी हुई लाइफ हो गई आज के टाइम पे। मयूर जानवी हर्षल बेटा फोन म्यूट कर लो आप लोग। चलो गुड लक, फाइनली अब मैं बाहर निकल सकता हूँ, ऐसा बोल के वो बाहर आ गया। हैंड्स को उसने बचा लिया कंटामिनेटेड होने से। अब ये पर्सन से आया, हैंड शेक कर लिया। अरे क्या हुआ, ये तो वही है जिसने तो हैंड्स भी क्लीन नहीं किया था। इसके हैंड्स पे तो बहुत सारे जम्स थे और ये सारे जम्स जो है ओ, तो इस तरह से बेटा एक जम्स वायरस एक बैक्टीरिया स्प्रेड होता है, जो बेटा हम लोग माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाला जो चैप्टर है 12th का, वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का रोल क्या है, कैसे वो एक डिसीज को कॉज करता है, कैसे हाइजेनिक कंडीशन मेंटेन करके हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं, और कैसे कोई जम्स डिसीज कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और वही जम्स हमारे लिए बेटा हार्मफुल ही नहीं, वही जम्स हमारे लिए बेनिफिशियल भी है। ठीक है, ये सारी चीजें हम वहां पे स्टडी करेंगे, और उसी का कनेक्शन से बेटा बायोटेक्नोलॉजी हमारा आने वाला एक नेक्स्ट चैप्टर। बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से बेटा देखो आज हमारे साइंस ने इतना कुछ डेवलप किया है कि आज हम प्लांट टिश्यू कल्चर कर पा रहे हैं, आज हम ये जो डी जेनेटिक डिसऑर्डर है इस डीएनए को काट के, ये देखो ये डीएनए है, इसके जीन को कट कर रहे हैं, जो फॉल्टी जीन था जिससे डिसीज हो रही थी उस जीन को यहाँ से रिमूव करके हम हेल्दी जीन को यहाँ पे हम लगा पा रहे हैं। जैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से, जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से फाइनली आज इतना मॉडिफिकेशन जो है ये पॉसिबल हो पाया है। ये सारा कुछ आएगा बेटा बायोटेक्नोलॉजी में। बायो मींस बायोलॉजी, टेक्निक्स को हम यूज कर रहे हैं, लॉजी मींस स्टडी। ठीक है, तो स्टडी करना है हमको बेटा टेक्निक्स का, जिसमें उसके क्या एप्लीकेशंस हैं, क्या प्रिंसिपल्स हो सकते हैं, जो कि बेटा चैप्टर हमारा 9, सेकंड लास्ट चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी, यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे। और फाइनली ये सारी चीजें होने के बाद लास्ट एक चैप्टर है बेटा जो हर क्लास में आपको देखने को मिला होगा, दैट इज इकोलॉजी। ठीक है, जहां पर हम रह रहे बेटा तो हमारा एटमॉस्फियर कैसा होना चाहिए, हमारा इकोसिस्टम के साथ हमारा क्या इंटरेक्शंस होता है, कितने सारे बायोडायवर्सिटीज हो गई है, पहले जो शेर जो टाइगर जो लायन दिखाई देते थे आज वो इंडेंजर्ड स्पीसीज हो गए हैं, आज के टाइम पे वो सारे के सारे गायब हो चुके हैं, तो आज उनको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्यों कंजर्व किया जाना चाहिए, तो वो इसलिए यहाँ पे जरूरी है बेटा क्योंकि आपस में इकोसिस्टम का एक बैलेंस बना रहे। यदि एक ही लाइफ फॉर्म यदि अर्थ पे रहेगा और दूसरा लाइफ फॉर्म अर्थ पे नहीं रहेगा तो बेटा हमारा जो एक नेचर का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा, और उसके बाद एक स्पीसीज बेटा दूसरे स्पीसीज पर डिपेंडेंट रहती है, और एक स्पीसीज की वजह से ही दूसरे स्पीसीज का लाइफलाइन चलता है। इसलिए बेटा बायोडायवर्सिटी और उसका कंजर्वेशन बहुत जरूरी है, और यही सारी चीजें बेटा हम लोग यहाँ पे इकोलॉजी में स्टडी करेंगे। और जो पॉल्यूशंस हो रहे हैं बेटा, जो एनवायरमेंटल इश्यूज जो आ रहे हैं, ठीक है, इसके से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, ये सारी प्रॉब्लम्स को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, उम्मीद करता हूँ बेटा आपको यहाँ तक के अब तक के जो पोर्शन मैंने पढ़ाया हूँ, जो भी कंसेप्ट समझाया, वो सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी बहुत अच्छी तरह से। जल्दी से एक बार रिस्पॉन्स कर दो ताकि आगे का फिर से हम वंडरफुल सेशन कंटिन्यू कर पाए भी, और आगे के और भी कंसेप्ट को हम देखते हैं।
वेरी गुड बेटा, ग्रेट, ओके। ऑलमोस्ट बेटा जितने भी स्टूडेंट हैं 70% स्टूडेंट का बेटा रिप्लाई आंसर आ रहा है मेरे तक के, बहुत बढ़िया। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सभी क्लियर, ग्रेट। तो आज का बेटा ये फर्स्ट लेक्चर, इस फर्स्ट लेक्चर में जनरल से बेसिक से सारे कंसेप्ट का मैंने आप लोगों को यहाँ पे पोर्शन बताया, जिसमें हम लोग क्या क्या स्टडी करेंगे, ओके। ये सारी चीजें हमने यहाँ पर देखी अभी, ओके। तो अभी देखो बेटा और भी इसमें कुछ पार्ट जो है, ये हम शुरुआत कर रहे हैं अभी फाइनली बायोलॉजी का जो हमारा मेन पोर्शन जो है, ठीक, मीन्स बायोलॉजी के जो भी कंसेप्ट है उसको अभी हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। जस्ट वेट, मैं अपना टच पेन कनेक्ट कर लेता हूँ ताकि आपको विद द हेल्प ऑफ राइटिंग जो है सारे कंसेप्ट समझा के दूं मैं। ओके ग्रेट, तो चलो बेटा सेशन जो है सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से हम चालू करते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस का मतलब ये है कि मैं आपको समझ जाऊं, आप मुझे समझ जाए, आपस में हमारा इंटरेक्शन हो जाए, ट्यूनिंग सेट हो जाए, और ट्यूनिंग सेट होने के साथ ही साथ आपको कैसे मैं शुरुआत कर सकता हूँ टीचिंग की, वो हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो पहली चीज तो बेटा जो भी आपको आता है ऑनेस्टी से वो आंसर आप देंगे, जो नहीं आता है डायरेक्टली अपने ऑनेस्टी से डायरेक्ट बोल सकते हो कि सर ये हम नहीं जानते। नहीं जानते का मतलब ये नहीं है कि आपको पता नहीं है या नहीं आता है, नहीं जानते का मतलब ये है कि बेटा आप एक मैसेज, अपना एक मैसेज मेरे तक के दे रहे हो जिससे मुझे पता रहेगा कि बेटा आपको कौन कौन से पार्ट बताना है। वैसे तो मैं हर चीज बताऊंगा लेकिन और क्या बता सकता हूं मैं आपको, जो भी सारा एक्सप्लेनेशन है क्या टीच कर सकता हूं, वो सारी चीजें बेटा यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ओके। चलो तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले तो बेटा बायोलॉजी, तो शुरुआत तो बेटा बायोलॉजी से ही होती है, और बायोलॉजी जो है तो बायोलॉजी में बेटा बायोलॉजी का डेफिनेशन कैसे होता है, तो सबसे पहले बेटा बायोलॉजी को डिफाइन करना है आप लोगों को, बताएंगे बेटा। ओके अदिति का आंसर आया बेटा सबसे पहले, आदित्य का भी आंसर आया बेटा, वेरी गुड, ग्रेट। श्वेता का भी आंसर आया है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा जिसका आंसर हमें यहाँ पे देखना है, आंसर हमें जानना है। समय, आर्या, जानवी, मिथिला, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत ग्रेट, ओके। जैसे कि बेटा सभी लोग जानते हैं, प्रिया का भी अभी आंसर मिल गया बेटा मुझे, ओके। तो बेटा प्रिया ह्यूमन बॉडी हम नहीं कहेंगे, सुहानी का भी आंसर मिला बेटा, ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स विद द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ओके कह सकते हैं। देखो बेटा कभी भी जब हम स्टडी करेंगे तो स्टडी में ऐसा याद रखना कि पहली चीज तो यहाँ पे सबसे पहले हम बायोलॉजी, ठीक है, तो यहाँ पे हमको बायोलॉजी में हमें दो टर्म दिखाई दे रहे हैं, दोनों को तोड़ देते हैं हम, एक तो बायो हो गया और दूसरा लॉजी हो गया। तो अब देखिए बेटा बायो एक्चुअली देखिए हमारे बायोलॉजी का जो लैंग्वेज है वो दैट लैंग्वेज से लिया हुआ है, मीन्स वो तो या तो ग्रीक होते हैं या फिर लैटिन होते हैं। अब ग्रीक और लैटिन होने की वजह से क्या है, उसे डायरेक्टली उस लेवल पे समझ पाए वो हमारे लिए कॉम्प्लिकेट होता है, तो उसको सबसे पहले बेटा हम अपने सिंपल इजी टर्म में यदि हम समझें तो वो ज्यादा इजी हो जाएगा, वेरी गुड बेटा चैताली, ठीक है। बायो एंड लॉजी, लॉजी कम्स फ्रॉम लोगस, ओके क्या कहलाएगा बेटा, लोगस, और बायो मीन्स क्या होता है बेटा, बायोस से लिया हुआ वर्ड है, तो बायोस का मीनिंग होता है बेटा लाइफ या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लाइफ जो है, और लोगस मीन्स क्या होता है बेटा, स्टडी। इस तरह से हमें बायोलॉजी का स्टडी करना, शॉर्टकट वे से नहीं जाना बेटा, एक एक कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह से हमें समझना है, और सारे कंसेप्ट जो है हम इस तरह से समझेंगे तो ही हमें बायोलॉजी ज्यादा इजी लगेगा, समझे। तो यहाँ पे एक तो बायोस मीन्स लाइफ, और लाइफ का स्टडी करना ये कहलाता है बेटा क्या चीज, बायोलॉजी। तो यहाँ पे बेटा बायोलॉजी जो है जिसमें लाइफ के जो स्टडी हो रही, तो लाइफ के स्टडी मीन्स किन की, तो लाइफ की जो स्टडी है मीन्स यहाँ पे आते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्या चीज बेटा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स।
अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है, तो यहाँ पे बेटा लिविंग ऑर्गेनिजम्स की यदि हम बात करें तो इनको ऑन द बेस्ड ऑन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इन्हें जनरली टू कैटेगरी में क्लासिफाई किया बेटा। एक तो आते बेटा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और दूसरे आते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक बेटा, इसका आंसर देना भी आप लोगों को जल्दी से। क्या होते हैं प्रोकैरियोटिक और क्या होते हैं यूकैरियोटिक, ये आप लोग अभी मुझे बताएंगे। जानता है बेटा कोई? एनीबॉडी नो अबाउट दैट? यस नो, रिस्पॉन्ड फास्टली। यदि मालूम है तो यस और नहीं मालूम है तो नो। वेरी गुड, आदित्य का आंसर आ गया बेटा, मिथिला का आंसर आ गया है जानवी, वेरी ग्रेट अदिति, प्रिया, गुड। ओके, अलग अलग टाइप के आंसर आ रहे हैं बेटा, बहुत बढ़िया। प्रांजल का आंसर आया है, कृष्णा का आंसर आया है, मिथिला का आंसर आया है, प्रिया राउत, चैताली, गुड, वेरी गुड। देखिए बेटा यहाँ पे इसको सिंपल टर्म में हम समझेंगे। सिंपल टर्म मीन्स देखिए, यदि हम यहाँ पे देखें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की यदि हम बात करते हैं, क्या चीज, यदि हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की हम बात करते हैं तो अगेन बेटा यहाँ पे सबसे पहले आप देखो क्या चीज, प्रोकैरियोटिक, इसको भी हम तोड़ देते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में प्रो को अलग कर देते हैं और कैरियोटिक को अलग कर देते हैं। एज इट इज सिमिलर बेटा यू कैरियोटिक की भी हम बात करें तो यू कैरियोटिक, तो दोनों में कॉमन हमें जो दिखाई दे रहा है बेटा वो क्या है, कैरियोटिक। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया बेटा कि बायोलॉजी में जो भी लैंग्वेज यूज करते हैं वो ग्रीक वर्ड से लिया हुआ है। तो यहाँ पे यदि हम कैरियोटिक का सिंपल टर्म में हम मीनिंग जानने की कोशिश करें जो कि ग्रीक वर्ड से आया है, तो इसका मीनिंग क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे ये जो ग्रीक लेटर जो है कैरियोटिक, एक्चुअली ये लिया हुआ बेटा कैरियन से। कहां से लिया हुआ टर्म है बेटा ये कैरियन से लिया हुआ टर्म है। तो कैरियन जो है इसको हम अपने सिंपल लैंग्वेज में यदि हम समझें तो ये कहलाता है बेटा न्यूक्लियस। क्या कहलाएगा ये, न्यूक्लियस। अब यहां पे हमारे लिए दो टर्म, एक तो प्रो और दूसरा आ रहा है बेटा यू। ओके वेरी गुड। अब प्रो मीन्स होता है बेटा प्रिमिटिव, क्या कहेंगे बेटे इसे, प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस यदि प्रेजेंट है तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस। प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस। प्रिमिटिव न्यूक्लियस जिस भी ऑर्गेनिज्म में होगा वैसा ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या कहलाएगा, प्रोकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक की बात करेंगे तो यू, यू मतलब होता है ट्रू, ट्रू मीन्स वेल डेवलप, वेल डिफाइंड। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसका न्यूक्लियस वेल डेवलप होता है, प्रो को बेटा हम अनदर टर्म में भी हम समझ सकते हैं। प्रो मीन्स होता है बेटा बिफोर, प्रो को हम क्या कह सकते हैं बेटा, बिफोर। तो अब देखो बेटा यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे ये एक सेल है, इस सेल में इनसाइड द सेल प्रेजेंट है क्या चीज, न्यूक्लियस। तो ये सेल बेटा कंप्लीटली डेवलप हो गया, मतलब ये सेल जब डेवलप हो गया है तो इस सेल में डेवलपमेंटल स्टेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का भी डेवलपमेंट हो गया, समझ गए। लेकिन ये सेल का डेवलपमेंट के पहले का स्टेज क्या होगा, तो ये सेल है और इस सेल में बेटा ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, समझ गए। तो ये डेवलपमेंट के पहले के स्टेज है जिसको क्या कहेंगे बेटा, प्रोकैरियोटिक। और डेवलपमेंट जब कंप्लीटली हो गया है तो जो क्या कहलाएगा बेटा, यूकैरियोटिक। तो ये बेसिक से डिफरेंस है बेटा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। उम्मीद करता हूँ ये वाला पोर्शन समझा होगा अच्छे से, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। ओके, आप लोगों के भी आंसर ऐसे ही कुछ आ रहे थे बेटा, ठीक। कुछ लोगों के थोड़े से डिफरेंट थे, बट मेन कंसेप्ट पे हमें जाना है कि एक्चुअली मेन मीनिंग क्या, नहीं तो दुनिया भर की डेफिनेशन बेटा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को लेकर के मिल जाएंगी, बट हमें मेन कंसेप्ट पे फोकस करना है, समझे। हाँ, इसमें हम यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर टर्म भी समझ सकते हैं, बट क्लासिफिकेशन हमें देखना है। तो ऑर्गेनिज्म बेटा दो टाइप के हैं, एक प्रोकैरियोटिक है और एक यूकैरियोटिक है। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की बात करें बेटा, ठीक है,
तो पहली चीज तो बेटा लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्या चीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स की यदि हम बात करें तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अपनी लाइफ को मेंटेन रखने के लिए, ठीक है, नीड होती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग की। जानते हो क्या है वो? लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपना लाइफ को कैसे मेंटेन रख सकता है, क्या नीड होता है, बताएंगे बेटा जल्दी से। जानते हो या नहीं जानते हो? एनीबडी नो अबाउट डेट, यस और नो? हाँ तो बताएंगे बेटा क्या है। वेरी गुड आदित्य, गुड, वेरी गुड जानवी, ग्रेट। जानवी का ज्यादा परफेक्ट आंसर है। प्रांजल सही है, मिथिला सही हो, बट थोड़ा सा परफेक्ट आंसर चाहिए मुझे। समय का आंसर आया है, ओके बेटा गुड। वैभव ग्रेट, परफेक्ट आंसर वैभव आपका। साहिल ओके बेटा गुड, साहिल ये भी आंसर अच्छा है, ओके बेटा वेरी गुड। चलो ऑलमोस्ट बेटा आंसर सभी के आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए बेटा क्या चीज, लाइफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की यदि हम लाइफ की बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो लाइफ जो मेंटेन होगा तो उसके लिए जो नीड है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, सबसे इंपॉर्टेंट सब्सटेंस की यदि हम बात करें या सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स की हम बात करें, दैट इज एनर्जी। विदाउट एनर्जी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने एग्जिस्टेंस को मेंटेन नहीं रख सकता। अब क्वेश्चन ये है कि एनर्जी जो है उस लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कहां से मिलेगी? तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है बेटा इस एनर्जी को जो ऑप्टेन करेगा वो कहां से करेगा बेटा? वेरी गुड, डाइट से। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो एनर्जी मिलेगी फूड से मिलेगी, बट फूड से डायरेक्ट नहीं मिलती, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी बनाने के लिए वहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिजम्स परफॉर्म करना होता है जिसे कहते हैं बेटा बायोकेमिकल रिएक्शन। बायोकेमिकल रिएक्शंस की हेल्प से ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है अपना एनर्जी बना पाएगा, ओके। अब ये बायोकेमिकल रिएक्शंस को बेटा हम बायोलॉजिकल टर्म में यदि हम समझे तो वो कहलाता है मेटाबॉलिज्म। क्या कहलाता है बेटा? मेटाबॉलिज्म। क्या कोई मेटाबॉलिज्म टर्म को डिफाइन कर सकता है बेटा? मेटाबॉलिज्म क्या होता है? यस नो? कितने टाइप्स होते हैं बेटा मेटाबॉलिज्म के? वेरी गुड बेटा, आदित्य का आंसर आया है, मिथिला का आंसर आया है बेटा। मिथिला कौन से दो टाइप है? वेरी गुड बेटा मिथिला, ग्रेट, बहुत बढ़िया। आप लोगों के साथ टीच करने में मुझे बहुत मजा आएगा बेटा, बहुत सारे कंसेप्ट आप लोगों के क्लियर हैं, बहुत ग्रेट, वेरी गुड बेटा, ग्रेट अदिति, बहुत बढ़िया। सम ऑफ टोटल ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन अकरिंग इन ह्यूमन बॉडी That is metabolism. There are two types. First is that catabolism and second anabolism. ठीक है, total जितना भी chemical reactions जो है बेटा हमारे body में हो रहा है inside, all biochemical reactions, इसे कहते हैं metabolism. और metabolism पे यदि हम आते हैं तो metabolism को बेटा two part में classify किया है, जिसमें से एक आता है क्या चीज बेटा? anabolism, और दूसरा आता है कैटाबॉलिज्म, ओके। अब यहां पे हमें दो और डेफिनेशन पढ़ना है, फिर एनाबॉलिज्म ये क्या होता है ये हमें समझना है, दूसरा कैटाबॉलिज्म क्या होता है ये समझना है बेटा। सारे लेक्चर्स आगे आपको पीपीटी लेक्चर में ही मिलेंगे। कुछ कंसेप्ट है जो मैं यहाँ पे टाइपिंग में बताऊंगा, कुछ कंसेप्ट आपको बोर्ड प्रेजेंटेशन पे बताऊंगा, ठीक है। व्हाइट बोर्ड प्रेजेंटेशन भी है, डायरेक्ट बोर्ड भी है, ठीक है। अलग अलग तरीके से आपको यहाँ पे सारे कंसेप्ट मिलेंगे, हर चीज बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। अदिति का आंसर आया बेटा, बहुत बढ़िया, ग्रेट। अदिति का आंसर पहले से ही आ गया बेटा। बेटा माइक ऑफ रखो नहीं तो बाकी लोग डिस्टर्ब होंगे। मयूर ओके,
तो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म क्या होता है ये हम समझ लेते हैं। एनाबॉलिज्म की यदि हम बात करें बेटा, तो एनाबॉलिज्म में यदि हम कंसेप्ट देखें तो पहली चीज तो बेटा एनाबॉलिज्म, तो एनाबॉलिज्म को सिंपल टर्म में हम समझें तो एनाबॉलिज्म का मीनिंग क्या होता है। तो एनाबॉलिज्म मीन्स क्या कह सकते हैं बेटा, एक तो तोड़ना और दूसरा जोड़ना, ऐसी रिएक्शन होती है। ऐसा सिंपल लैंग्वेज में यदि मैं बताऊं आपको, तो एक तो तोड़ना और दूसरा जोड़ना। तोड़ना मतलब ब्रेक करना, ब्रेक करना मीन्स कैटाबॉलिज्म, और जोड़ना मीन्स बिल्डअप रिएक्शन। तो जो एनाबॉलिज्म जो है, यदि हम एनाबॉलिज्म की बात करें तो ये होती है बेटा बिल्डअप रिएक्शन। ठीक है, अब बिल्डअप रिएक्शन को बेटा मैं एक बार ही वार्निंग दूंगा, उसके बाद मैं क्लास से परमानेंट बाहर कर दूंगा। लावण्या बेटा क्या प्रॉब्लम हुआ? ओके, तो यहाँ पे देखिए बेटा, वेरी गुड बेटा, सुहानी का आंसर आया है एनाबॉलिज्म मींस बिल्डअप रिएक्शन। बिल्डअप रिएक्शन मींस देखो स्मॉल स्मॉल कंपाउंड यहाँ पे प्रेजेंट है, ये आपस में स्मॉल कंपाउंड आपस में ज्वाइन होंगे। ज्वाइन होने के बाद बेटा ये स्मॉल कंपाउंड क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करेगा। तो जब सिंपलर फॉर्म से एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स प्रोड्यूस होता है तो इस फिनोमिना को बेटा एनाबॉलिज्म कहते हैं। नेचर में कहां पे हो रहा है बेटा, एक आधे एग्जाम्पल बताएंगे। सुहानी बेटा कॉम्प्लेक्स टू सिंपलर कैटाबॉलिज्म हो गया, सिंपलर टू कॉम्प्लेक्स एनाबॉलिज्म होगा। ठीक है, तो एनाबॉलिज्म का एग्जाम्पल हमारे नेचर में कहां पर हो रहा है बेटा, कौन सा एग्जाम्पल एनाबॉलिज्म है? वेरी गुड बेटा आदित्य, ग्रेट, फोटोसिंथेसिस, ये एग्जाम्पल है एनाबॉलिक रिएक्शन का। और रेस्पिरेशन की हम बात करें बेटा तो वो क्या होगा बेटा, रेस्पिरेशन जो है ये हो जाएगा कैटाबॉलिज्म। मींस फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, तो फोटोसिंथेसिस में हम जानते हैं बेटा कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ठीक है, ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, H2O के साथ रिएक्ट करेगा, और रिएक्शन के बाद फाइनली क्या प्रोड्यूस करेगा, ग्लूकोज बनाएगा। ओके, तो यहाँ पे फाइनली ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है, मींस सिंपल कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस जो है ये एनाबॉलिज्म हो गया। लेकिन यही बेटा जो ग्लूकोज फॉर्म हुआ, अब हमने इसको जब कंज्यूम किए तो हमारे बॉडी में गया और इस ग्लूकोज को हमने क्या किया बेटा, तोड़ दिए। कैसे तोड़े, तो वापस से बेटा वही CO2 और वही H2O के इसमें अभी यहाँ पे ग्लूकोज इस तरह से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना है, उसको वापस से हमने ब्रेक कर दिए। ब्रेक करने के बाद वापस से यही ग्लूकोज जो है CO2 और H2 में कन्वर्ट हो गया है। तो जब एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो इस फिनोमिना को कहते हैं कैटाबॉलिज्म। क्या कहते हैं बेटा इसे, कैटाबॉलिज्म। इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो है रेस्पिरेशन जो है आर द एग्जाम्पल ऑफ कैटाबॉलिज्म। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हो गया बेटा कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म का। ठीक है, तो अब बेटा हमें जो एनर्जी चाहिए वो कहां से मिलेगी, हम ह्यूमन की बात करते हैं। अब यहाँ पे अभी तक के हम लोग जो देख रहे थे वो क्या देख रहे थे बेटा, एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स देख रहे थे। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमको प्लांट बेस्ड स्टडी करना है और एनिमल बेस्ड स्टडी करना है, बट हम लोग यहाँ पे जो शुरुआत करेंगे वो कहाँ से करेंगे बेटा, तो यहाँ पे हम लोग जो स्टार्टिंग करेंगे वो ह्यूमन से करेंगे। तो ह्यूमन बेटा, ह्यूमन की जो लाइफ है इसको मेंटेन करने के लिए ह्यूमन को चाहिए फूड। अब फूड बेटा ऑब्वियसली प्लांट जो है मेन सोर्स है हमारे लिए, जहां से हमें फूड मिलेगा। और प्लांट से जो हमें फूड मिलता है वो किस किस फॉर्म में मिलता है, तो सबसे पहले बेटा हम फूड और फूड के टाइप्स जो है वो हम यहाँ पे समझेंगे। ओके, तो फूड में बेटा हम लोगों को यहाँ पे सबसे पहले जो स्टडी करना है, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स के बाद हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे प्रोटीन, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे फैट। फैट के अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड बेटा, वाटर के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, और विटामिन्स भी जो है बेटा एंड मिनरल्स जो है ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्योंकि बेटा हमको यदि एनर्जी चाहिए तो यहाँ पे ये जो फूड कंपाउंड्स जो हमारे जो मेन सोर्स है एनर्जी का,
इस फूड में से एनर्जी निकालने के लिए इस फूड को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे के सारे फूड जो है ये किस फॉर्म में प्रेजेंट है बेटा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट है। तो इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड को ब्रेक करना बहुत जरूरी है, तब जाके ही यहां से एनर्जी को हम रिलीज कर सकते हैं। तो बेटा एक्चुअली इसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो फूड का है, तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म कैसे है ये हमको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट का कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो है वो क्या है और उसका सिंपल फॉर्म क्या है वो हमें समझना पड़ेगा। तो कार्बोहाइड्रेट की यदि हम बात करें बेटा, तो कार्बोहाइड्रेट को बेसिकली बेटा थ्री कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। कौन कौन सी बेटा थ्री कैटेगरी? एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट आता है और एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आता है। तो इसको यदि हम सिंपली डिफाइन करें बेटा, तो पहली चीज तो कार्बोहाइड्रेट जो है इसमें एक ग्रीक लेटर से लिया हुआ एक टर्म है बेटा, सैकरीन, ठीक है। सैकरीन मीन्स क्या होता है? शुगर। जिसके बेसिस पे इसमें एक आता है क्या चीज? मोनोसैकेराइड्स। ओके, क्या आएगा? मोनो सैकेराइड्स आएगा। फिर उसके बाद एक क्या आएगा बेटा? डाई, या फिर उसी को क्या कहते हैं? ऑलिगो सैकेराइड्स। ओके, क्या आएगा? डाई या फिर ऑलिगो सैकेराइड्स। और थर्ड जो आता है वो आता है बेटा पॉलीसेकेराइड्स। समझ गए? तो पॉलीसेकेराइड्स की यदि हम बात करें बेटा, तो पॉलीसेकेराइड्स जो होता है इसमें एक तो स्टार्च आता है, स्टार्च, और क्या आता है बेटा बताओ? पॉलीसेकेराइड्स में क्या क्या आता है? एग्जांपल बताएंगे बेटा, स्टार्च के अलावा क्या आएगा? एनीबडी नो अबाउट डेट? ग्लूकोज? नो बेटा, ग्लूकोज इट इज नॉट अ पॉलीसेकेराइड। सेलुलोज, वेरी गुड, सेलुलोज आर द एग्जांपल ऑफ पॉलीसेकेराइड्स। प्रोटीन आर नॉट अ कार्बोहाइड्रेट्स। पहले हमने यहां पे देखे बेटा, देखो क्लासिफिकेशन समझो, यहां पे जो कैटेगराइज किया हूं मैंने ये समझो पहले। कार्बोहाइड्रेट अलग है, प्रोटीन अलग है, फैट अलग है, वाटर, विटामिन, मिनरल्स। तो मैं अभी कार्बोहाइड्रेट पढ़ा रहा हूँ आपको, तो कार्बोहाइड्रेट के टर्म में कॉन्सेप्ट पूछ रहा हूँ। ओके, डाइसेकेराइड्स बेटा ये यहाँ पे है। कौन सा वाला पार्ट है डाइसेकेराइड्स? ये वाला पोर्शन है। सुक्रोज आर दी डाइसेकेराइड बेटा श्वेता। हाँ, पैक्टिन हम कह सकते हैं बेटा। आदित्य, वेरी गुड, ग्रेट। तो बेटा देखो, कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, ग्लाइकोजन, वेरी गुड बेटा सुहानी, ग्रेट। क्या चीज? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन ऑल्सो बेटा ये भी पॉलीसेकेराइड्स है, समझे? अब बेटा हमारे बॉडी में फूड जो है, हम जो भी फूड खाते हैं वो स्टोर्ड होता है एज अ रिजर्व फूड, और प्लांट में भी होता है। तो प्लांट में क्या स्टोर होता है और ह्यूमन या एनिमल में क्या स्टोर होता है ये बताएंगे बेटा? प्लांट में फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है, एनिमल में फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है, मालूम है बेटा किसी को? यस या नो? वेरी गुड बेटा, प्रिया का आंसर आया है, जानवी का आंसर आया है, बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर है बेटा आप लोगों का। अगेन प्रिया का सेकेंड आंसर भी आ गया है, गुड। सिर्फ प्रिया और जानवी को ही आंसर मालूम है बेटा इसके, बाकी लोग नहीं जानते। कोई बात नहीं बेटा, इसलिए यहाँ पे मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा। अदिति का आंसर आया है, गुड। स्टार्च के फॉर्म में बेटा प्लांट में फूड स्टोर हो रहा है और ग्लाइकोजन के फॉर्म में एनिमल में स्टोर होता है। एनिमल में बेटा लीवर और मसल्स जो होती है वहां पे ग्लाइकोजन एज अ रिजर्व फूड स्टोर होता है, याद रखना बेटा, ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है, नीट में क्वेश्चन आ सकता है। ओके, क्या चीज? ग्लाइकोजन जो है एनिमल में, और वो भी कहाँ पे? लीवर एंड मसल्स में फूड स्टोर होता है। अब हम लोग आते हैं बेटा नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा, दैट इज डाइसेकेराइड्स। क्या देखेंगे अभी हम लोग? डायसेकेराइड्स। एग्जाम्पल जानते हो बेटा आप डायसेकेराइड्स का? बताएंगे कौन कौन से होंगे बेटा डायसेकेराइड्स में? वेरी गुड, 44 का आंसर आया है, बहुत बढ़िया बेटा, फर्स्ट आंसर 44 से मिला है,
और देखो इतने स्टूडेंट में आपका नाम ले पा रहा हूं मैं, आपका नाम इस वीडियो लेक्चर्स में आ रहा है, बहुत बड़ी बात है बेटा आपके लिए। आदित्य का आंसर आया है, गुड। चैताली का अगेन सेकंड आंसर, अदिति, वेरी गुड बेटा। कृष्णा का भी आंसर आया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है बेटा आप सभी लोगों के। चलो तो देखो बेटा यहाँ पे क्या क्या आता है, एक आता है सुक्रोज, उसके बाद आता है लैक्टोज, और क्या आता है, सुक्रोज लैक्टोज माल्टोज, ये है बेटा डायसेकेराइड्स, वेरी गुड बेटा। मिल्क शुगर जो होती है कौन सी होती है बेटा, मिल्क शुगर, चैताली का आंसर मिला है इसमें अभी तक के मुझे। फ्रक्टोज बेटा सुहानी डायसेकेराइड्स में नहीं आता है, मिल्क में कौन सा शुगर प्रेजेंट होता है, बेटा हम घर में जो शक्कर खाते हैं, शुगर जो खाते हैं वो कौन सा होता है, प्रज्वल नहीं बेटा, सुहानी, आपका आंसर सही है, आदित्य का भी आंसर सही है, मिल्क शुगर का आंसर दिया बेटा आप लोगों ने, सही आंसर आया, अदिति आप भी सही हो। हम जो टेबल शुगर खाते हैं वो कौन से शुगर है बेटा, वेरी गुड बेटा, आदित्य का अगेन आंसर आया बेटा, जो होम मेड शुगर होती है वो कौन सी होती है, गुड, आदित्य का आंसर मिल गया है। बाकी लोग, सुहानी फ्रक्टोज में पहुंच रहे हैं हम लोग, स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे, ठीक है, बता रहा हूं मैं, जस्ट वेट थोड़ा सा टाइम। हाँ देखिए बेटा, पहली चीज तो मिल्क में जो शुगर होती है वो होती है बेटा लैक्टोज, कोई बात नहीं बेटा चलेगा, वेरी गुड अतिथि। सुक्रोज जो है बेटा ये हमारी टेबल शुगर होती है, जो हम घर में चाय कॉफी, ठीक है, टी मिल्क इसमें यूज करते हैं। ओके, माल्टोज जो है ये अगेन एक अनदर शुगर टाइप है। फिलहाल ज्यादातर हम जो यूज कर रहे हैं टेबल शुगर, सुक्रोज, मिल्क में होती है लैक्टोज। माल्टोज बेटा जो स्टार्च होता है ना, ये पॉलीसेकेराइड जब टूटता है तो ये कन्वर्ट होता है बेटा माल्टोज में, किसमें, माल्टोज में। अब देखो पॉलीसेकेराइड और डाइसेकेराइड को हम समझ लेते हैं पहले, ठीक है। पहली चीज तो बेटा मोनोसेकेराइड मतलब क्या, मोनो मतलब एक सिंगल यूनिट, ये अकेला रहा तो ये हो गया मोनोसेकेराइड्स। डाइसेकेराइड्स मतलब एक ये और इसी के साथ अगेन एक और ये, ऐसे जब बेटा दो शुगर आपस में ज्वाइन हो गई तो ये क्या बन गया बेटा, डाइसेकेराइड्स। और पॉली मतलब क्या, मैनी, इस तरह से जब बहुत सारी कंटिन्यूअसली शुगर जो है मोनोमर यूनिट आपस में ज्वाइन हो करके जब एक पॉलीमर फॉर्म करेगा, इस तरह से मोनोमर आपस में ज्वाइन हो करके क्या चीज बेटा, जब पॉलीमर फॉर्म करेगा तो ये हो जाएगा पॉलीसेक्राइड। समझ में आ रहा है डेफिनेशन मोनोसेक्राइड पॉलीसेक्राइड का, पॉली कब बन रहा है बेटा, पॉलीसेक्राइड जब मोनोमर आपस में ज्वाइन हो रहा है। अब आते हैं हम मोनोसेक्राइड्स पे, डाई भी आपको समझ में आ गया, डाई मतलब दो, तो इसमें मैंने आपको थोड़ी देर पहले यहाँ पे ये बताया पॉलीसेक्राइड मीन्स स्टार्च का जब ब्रेकडाउन होता है तो ये पॉलीसेक्राइड स्टार्च है बेटा, ये स्टार्च ब्रेक हुआ तो ऐसे टू शुगर जब बनेगी तो दो मॉलिक्यूल जब आपस में ज्वाइन होते हैं तो बनता है माल्टोज, ठीक है, जो हमारे डाइजेशन की मैकेनिज्म्स में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। अब आते हैं हम लोग बेटा मोनोसेक्राइड्स पर। अदिति कौन सा पार्ट रिपीट करना है बेटा, ठीक है मैं सारा रिवाइज करा दे रहा हूँ। देखो बेटा पहली चीज तो मोनोसेकेराइड, मोनो मतलब सिंगल होता है, जब सिंगल यूनिट रहेंगी ये ऐसे तो ये कहलाएगा मोनोसेकेराइड, सेकेरिन मतलब शुगर, जब सिंगल शुगर रहेंगी तो मोनोसेकेराइड, डाई मतलब टू, जब टू शुगर आपस में रहेंगी तो डाइसेकेराइड, पॉली मतलब बहुत सारी, जब बहुत सारी मेनी शुगर्स आपस में इस तरह से प्रेजेंट होंगी तो ये कहलाएगा पॉलीसेकेराइड्स। अब पॉलीसेकेराइड्स में बेटा हम फूड जो खा रहे हैं वो हम खाते हैं बेटा स्टार्च, जैसे पोटेटो राइस चपाती, तो उसमें क्या होता है बेटा स्टार्च होता है, तो हम जो कंज्यूम कर रहे हैं वो स्टार्च कंज्यूम कर रहे हैं, खाने के बाद बेटा माउथ में चीविंग होगा, चीविंग मीन्स मैस्टिकेशन, तो वहां पे एक एंजाइम प्रेजेंट होता है सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम, वो इस स्टार्च को तोड़ देगा, तो ये जो स्टार्च ये क्या है बेटा पॉलीसेकेराइड, तो इस स्टार्च पॉलीसेकेराइड को तोड़ेगा वो किसमें, माल्टोज में, माल्टोज क्या होता है बेटा डाइसेकेराइड होता है, समझा बेटा अदिति।
अब हम लोग आएंगे मोनोसेकेराइड्स में। चलो जल्दी जल्दी मोनोसेकेराइड के एग्जांपल बता देंगे। वेरी गुड बेटा श्वेता, फ्रक्टोज मोनोसेकेराइड है क्या? बाकी लोग, फ्रक्टोज ग्लूकोज गैलेक्टोज। स्पेलिंग देखना, टाइपिंग में गड़बड़ तो नहीं हुआ है? वेरी गुड बेटा, तो ये जो है बेटा ये मोनोसेकेराइड्स है। फ्रक्टोज बेटा कहां प्रेजेंट होता है बताएंगे? फ्रक्टोज बेटा जितने भी, कोई आंसर दे रहा है क्या कि मैं बता दूं फास्टली? यदि आंसर आता है तो जल्दी। वेरी गुड सुहानी, ग्रेट आंसर। फ्रक्टोज जो है बेटा जितने भी क्या चीज, जो स्वीट फ्रूट्स होते हैं, और फ्रूट्स में स्वीटनेस जो होती है वो फ्रक्टोज की वजह से होती है। ग्लूकोज बेटा ग्रेप्स में प्रेजेंट होता है। गैलेक्टोज बेटा फ्री फॉर्म में नहीं होता है, गैलेक्टोज हमेशा मैमलियन मिल्क में लैक्टोज के साथ प्रेजेंट होता है बेटा, लैक्टोज के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। मींस ग्लूकोज और गैलेक्टोज जैसे आपस में दोनों साथ में होते हैं, ठीक है? ये कैसे होते हैं वो भी मैं आपको आगे क्लियर करवा दूंगा। अभी हम सिर्फ टर्मिनोलॉजी देख रहे हैं, कौन से कहाँ कहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट है। ओके, फ्रूट शुगर जो है फ्रूट्स में होता है फ्रक्टोज, ठीक है, गैलेक्टोज नहीं होता है। हाँ वेरी गुड, मैनोज भी होता है बेटा, ये भी मोनोसेक्राइड्स है। मैनोज भी फ्री फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता बेटा, एग में प्रेजेंट होता है, एल्बुमिन प्रोटीन उसी के साथ में। वेरी गुड बेटा सुहानी, ग्रेट। हाँ राइबोज भी शुगर है एक, जो हमारे डीएनए और आरएनए के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, जो कि मोनोसेक्राइड का एग्जाम्पल है। ओके, समझे? तो ये बेटा कुछ कंसेप्ट है जो आज हम लोगों ने पढ़े। तो अब बेटा हम जो फूड खा रहे हैं वो फूड हमें कौन सा मिलेगा बेटा? तो जो भी फूड हम कंज्यूम कर रहे हैं वो एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड इस तरह से स्टार्च के फॉर्म में या फिर एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेंगे। इस कॉम्प्लेक्स फूड को बेटा सबसे पहले तोड़ना पड़ेगा। तो कॉम्प्लेक्स फूड को बेटा सिंपल सिंपल फूड में, छोटे छोटे फूड में तोड़ना पड़ेगा, तब जाके हमारा बॉडी उसको यूटिलाइज कर पाएगा, समझे? मींस यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी, दैट इज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हम स्टार्ट करेंगे। बट 2 से 3 लेक्चर आप लोगों के लिए बेटा बेसिक कंसेप्ट पे रहेंगे जो आप 10th तक के पढ़े हुए हैं। तो एक बार अपने 10th तक के का जो बुक है उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, बाकी मैं भी यहाँ पे आपको रिवाइज करवा दूंगा। एनसीईआरटी ले लीजिए 11th का बायोलॉजी का, ठीक है? तो बेटा आप यदि मेरा ये क्लास कर रहे हो तो बहुत अमेजिंग तरीके से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगा, बहुत अच्छे तरीके से आपको, चाहे आप बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर कॉम्पिटिटिव का, दोनों के लिए भी बेटा मेरा लेक्चर्स आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। नीट वालों के लिए बेटा थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा जाएंगे, बोर्ड वालों के लिए हम सिर्फ एक लेवल तक के ही जाएंगे। लेकिन मेरे लेक्चर्स करने के बाद बेटा आप सभी लोगों के सारे कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ बेटा आज का ये लेक्चर्स आपके लिए हेल्पफुल होगा और आपको समझने में बहुत हेल्प मिली होगी आज के इस लेक्चर्स में। टाइम का लिमिटेशंस होने की वजह से बेटा आज का जो लेक्चर्स है हम यहीं पे एंड करेंगे, और आगे आके हम और भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो है हम यहाँ पे समझेंगे बेटा। ओके, किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हैं, किसी का कुछ क्वेरी या कुछ डाउट है तो वो डाउट भी पूछ सकता है बेटा, नहीं है तो फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ओके बेटा, हाँ कल से एनसीईआरटी बुक, कल से एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़ाएंगे बेटा हम, कल हम 2 से 3 लेक्चर्स जो है वो बेसिक कंसेप्ट, सिर्फ बेटा एनसीईआरटी का ही बुक रिफर करना है और कोई भी बुक में नहीं जाना हमें, समझे? हमारे लिए जो मेन बुक है, आप नीट कह लो, सीबीएसई बोर्ड कह लो, स्टेट बोर्ड कह लो, व्हाटएवर, सिर्फ एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ओके चलो बेटा, थैंक्स, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय। आज के लेक्चर की वीडियो लिंक में मिल जाएंगी बेटा, आपको लिंक मिल जाएगा, यूट्यूब पे मैं अपलोड कर दूंगा। आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में लेक्चर्स मिल जाए। हाँ बेटा, फ्रक्टोज ह्यूमन बॉडी में भी प्रेजेंट होती है सीमेन में। ओके चलो बाय बाय।